स्टेज पर बैठे हैं। सातवें वेतन आयोग की जो लड़ाई आज आई पक्तों और फिट की तरह मिलकर चला रहे हैं, आज हम ऐसे समय पर पहुंचे हुए हैं, ऐसे मोड़ पर पहुंचे हुए हैं जहां ये सिर्फ सातवें वेतन आयोग की लड़ाई नहीं है, ये पूरे यूनिवर्सिटी सिस्टम को हमारी बचाने की लड़ाई चल रही है। क्योंकि एक तरफ है सातवां वेतन आयोग, उसके बारे में सरकार कुछ निर्णय नहीं ले रही है या निर्णय ले चुकी है लेकिन बताना नहीं चाहती है, और दूसरी तरफ एक पूरा वातावरण ऐसा बनाया जा रहा है जिसमें ये सातवां वेतन आयोग कितने लोगों को मिलेगा इसके बारे में एक क्वेश्चन मार्क हो गया। जिस तरह से हम जो सुन रहे हैं डिबेट्स, जिस तरह का जो पूरा एक प्रोग्रेस चल रहा है, सरकार उसमें किसी भी तरह आई फक्टो और फैक्यूटा जैसे जो जनवादी शिक्षक संघ है उनके साथ बात करने को तैयार नहीं है। और इसकी शुरुआत आज नहीं, बहुत साल पहले से शुरू हो गई थी, जब 2009-2010 में हर स्टेट में अरियर्स के लिए, पे रिविजन के लिए हर जगह लोगों को अलग अलग लड़ना पड़ा, और आज भी ऐसे कई राज्य हैं जहां पर पूरी तरह से अरियर्स दिए नहीं है। और उसके साथ साथ जो सरकार का रूप सामने आया कि बात नहीं करेंगे और पॉलिसी डिक्लेयर नहीं करेंगे, पॉलिसी बनी नहीं है ऐसा कहते हैं लेकिन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, और वो पॉलिसी क्या इंप्लीमेंट हो रही है उसके बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप सब जानकार हो, आप सब एक्टिविस्ट हो, आप सब लीडर हो, और मुझसे पहले बहुत से लीडर्स ने इसके बारे में बात की है तो मैं उसको दोहराना नहीं चाहती, लेकिन आज महाराष्ट्र की तरफ से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि महाराष्ट्र एक लेबोरेटरी बना हुआ है, सरकार की नई नीतियों की प्रयोगशाला महाराष्ट्र बना है, आज नहीं 2010-2011 से। आज हम हेफा की बात कर रहे हैं लेकिन हेफा का जो पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है 2011 में महाराष्ट्र में निगमकर कमेटी ने भी लाया था, जो आज हमारे नए यूनिवर्सिटी एक्ट से उसको हमारे ऊपर थोप दिया गया है। अलग अलग किस्म से रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं हमारे सिलेबस में, हमारे एग्जाम्स में, और हमें आपको बताना है कि आज मुंबई यूनिवर्सिटी जो महाराष्ट्र में उनको लग रहा था कि रिफॉर्म में सबसे तेज दौड़ाएंगे मुंबई यूनिवर्सिटी को, अप्रैल में हुए एग्जाम, आज सितंबर आ गया है, रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए, कि इस तरह से इनका रिफॉर्म चल रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना, जो बने हुए स्ट्रक्चर है उनको तोड़ना है। आज हम लोग हाईकोर्ट में भी लड़ रहे हैं और हाईकोर्ट के जज ने ये कहा कि ये जिस तरह से मुंबई यूनिवर्सिटी ने रिफॉर्म लाया, ये जिस तरह से असेसमेंट को ऑनलाइन किया, ये डीमोनेटाइजेशन की तरह है, जो करेंसी पहले आपने लोगों से ले ली उसके पहले उसको प्रिंट नहीं किया, इसी तरह से ये रिफॉर्म आया है। और इससे हमें दिख रहा है कि अगर इस सरकार को रोका नहीं गया तो हमारा एग्जाम सिस्टम खत्म हो जाएगा, जिस तरह से सिलेबस रिवाइज हो रहे हैं, शिक्षा बच्चों को मिलेगी नहीं, बच्चे एग्जाम देकर 4 महीने हो गए उनके रिजल्ट नहीं निकल रहे, उनकी नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं, उनके आगे के कोर्सेज के एडमिशन उनको मिल नहीं रहे, तो ये जो स्वरूप सरकार का दिख रहा है इसके खिलाफ लड़ाई धरने मोर्चे और ब्लैक बैच वेयरिंग से और ऊपर उठनी चाहिए। और ये जब लड़ाई को और ऊपर उठाना है, ये मैं आखिरी बात कहकर अपना भाषण खत्म करूंगी, जब तक हम अपने कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को अपने साथ नहीं लेते, जब तक हम उनको ये आश्वासन नहीं देते कि हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई और मजबूत नहीं होगी। जरूरी होगा कि सातवें वेतन आयोग की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के लिए और अलग अलग मीटिंग्स ली जाए, उनके लिए स्टेट लेवल पर अलग अलग सेमिनार्स और कन्वेंशन, स्पेशल कन्वेंशन कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को मोबिलाइज करने के लिए दिए जाए। जब तक वो मोबिलाइज नहीं होंगे, आई फक्तों की लड़ाई अधूरी रहेगी। यही मैसेज देकर मैं अपनी बात कर